see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not. तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और भाई आज भी है ये कॉन्करर लोबी का गेम प्ले है। इसमें मैंने भाई वो लैंडिंग वाला पार्ट बस कट कर दिया और अब यहाँ पे मैं तुम्हें रोटेशंस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई इस गेम प्ले में भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हुआ। मतलब तुम अभी देखो भाई 48 बंदे लाइव हैं और यहाँ पे लास्ट के जोन में भाई हमें 40 बंदे भाई हर एक मैच में मिलते हैं। भाई 40-50 बंदे लास्ट के जोन में, जो कि भाई थर्ड जोन होता है, अब उसमें इतने बंदे लाइव रहते हैं। तो भाई उससे देखने का मज़ा मतलब भाई नेक्स्ट लेवल पे है। अभी तुम्हारा भाई यहाँ से गाड़ी गुड़ी को उतारता और हम इस कंपाउंड पे आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही एक फ्लेयर, अब फ्लेयर चला देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनली मैं कॉन्करर तो पहुँच चुका हूँ और ये गेम प्ले दिखाने के पीछे भाई तुम्हें सबसे बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था जिससे कि भाई मतलब मेरी फाइट हुई और उसे बंदे भाई वॉल पे इतना गंदे तरीके से हैकर बोल रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से। तुम मुझे बताना कि देख के भाई वो तुम्हें हैकर लगा या नहीं लगा, बस एक ही डाउट है मेरा। और लास्ट के जोन में तो भाई इसमें हमने क्या ही बंदे मारे। और अभी M249 और MK आई थी तो मैं MK उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा भाई MK उठाता है तो भाई मुझे सामने वाले रिच पे बंदे दिखते हैं। अब फिलहाल वो बंदे मेरे स्प्रे मारते हैं तो भाई मैं पीछे हट जाता हूँ, और पीछे इतना ही नहीं हटता भाई मैं यहाँ से भागी जाऊँ, क्योंकि वो है सामने भाई बंदे और ये साइज से भाई मीटअप वाले बंदे थे, क्योंकि भाई ये ना मतलब 2 से ज़्यादा थे। अगर तुम कॉन्करर पुश करोगे ना तो भाई तुम्हें हैकर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब वो तो तुम भूल ही जाओ कि हैकर तुम्हें नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हैकर तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके बाद तुम्हारी मारने के लिए भाई बंदे जो हैं मीटअप कह रहा टीम अप करके खेलेंगे। मतलब भाई डुओ का मैच है और तुम्हें चार चार बंदे मिलेंगे एक एक यूएज में रस करते हुए। अभी फ़िलहाल हम इस रिच पे आते हैं और भाई ये सबसे ज़्यादा बढ़िया हाई ग्राउंड था। और भाई यहाँ पे कॉन्करर लोबी में ना सिर्फ तुम्हारी भाई वही मैटर करती है कि भाई तुम्हारे पास कौन सा कंपाउंड है या तुम्हारे पास जोन बन रहा है या नहीं। अगर तुम्हारे पास जोन नहीं बन रहा तो भाई तुम पिटोगे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, रैप्टे लगेंगे। अब सामने स्मोक हुई भी थी उस घर पे, तो मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ, बट वो बंदा घर के अंदर चला जाता है और उसके दूसरे टीममेट को कोई और मार देता है, तो मुझे उसका किल तो मिल ही जाता है। और MK14 भाई इसीलिए बीस्ट है, मतलब तुमने देखा होगा मैंने उसके 2-3 गोली मारी और भाई उसमें ही ठिल गया वो। अब फिलहाल यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी थी जिसमें से कि भाई मुझे एक बंदा दिखता है और मैं उसके डैमेज भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसे डैमेज तो देता हूँ बट मैं पुश नहीं करता, क्योंकि भाई रिस्क है बहुत ज़्यादा तगड़ा। सावन जो है मेरे से दूर है अभी और वो है पीछे से घूम के आ रहा है, जब तक सावन नहीं आता भाई मैं इस पर पुश नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने इस बंदे पे पुश कर दिया ना तो ये बेटी चोत भाई मुझे पूरा फिनिश कर देगा, मुझे पता है इतना। अब जैसे ही सावन आता है भाई मैं इसे नॉक कर देता हूँ, और इसे नॉक करने के बाद भाई मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, बट इस बंदे ने भाई सावन को नॉक कर दिया। तो तुम देख रहे होगे भाई ये बंदे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं, और इस लोबी में खेलने का ना भाई एक अपना अलग मजा है। यहाँ पे हमें इस बंदे की भाई क्रेट बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता, और सबसे पहले हील करते हैं क्योंकि भाई चारों तरफ बंदे हैं अभी मेरे। अब यहाँ पे हील वगैरह करने के बाद भाई मैं यहाँ पे इसे लूटने लगता हूँ, और इसका टीममेट भाई पता नहीं कहाँ ही भाग गया, इसे बचाने तक नहीं आया। तो इसीलिए भाई मतलब यहाँ पे दोस्त दोस्त नहीं होता, दुश्मन दुश्मन नहीं होता, सब अपने भाई पॉइंट्स के लिए खेल रहे हूँ। और अगर तुम नोक ना हुए तो भाई टीममेट भी भाग जाओ। फिलहाल सावन जो है सामने वाले रिच पे मार्क करता है और भाई वहाँ पे दो बंदे थे, अब उन दो बंदों की भाई मैं मारने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी गोली जो है भाई रिच पे लग रही थी बार बार, मतलब उन बंदों की लगी नहीं रही थी, एक आधी बुलेट लगी उसके बाद रिच पे ही लग रही थी।
तो मैं थोड़ी सी देर के लिए ट्राई करता हूँ, बट भाई उसके बाद मैं ट्राई भी नहीं करता, क्योंकि भैया जब लगी नहीं रही तो ट्राई करके क्या फ़ायदा। अब फिलहाल यहाँ पे मेरे सामने दो बंदे थे जो कि भाई उधर ही वाले बंदों के मार रहे थे, तो मैं इन पर पुश कर देता हूँ। फिलहाल एक बंदा मैंने वहाँ पे नॉक कर दिया था और अब बच रहा था सिर्फ एक बंदा, तो मैं सावन को कॉल देता हूँ। चला सामने वाले बंदों पे पुश करते हैं अपन। और देखते ही देखते हमने येली डुओ भी मतलब ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे देखो भाई इस बंदे ने मतलब अपने बंदे को बचाने के लिए कितनी स्मोक करी और लास्ट में बेचारा जाके नीचे गिर गया पता नहीं कैसे। अभी इस मैच में भाई तुम्हें एक ऐसा बंदा भी मिलेगा जिसे कि भाई सारे ओल पे हैकर बता रहे थे और टीम अप वाले भी मिलेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई बंदे कैसे टीम अप करते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मारते और साथ में मिल मिल के मतलब भाई चार चार बंदे रश करें। हमारे पे वैसे अभी तक तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हाई ग्राउंड था, बट मैं तुम्हें अपनी किस्मत बताऊं भाई हमारे पे कभी जोन ही नहीं बनता। मतलब जितनी बार ही जोन बने जिस जगह पे हम होंगे ना उसके परली तरफ ही बनेगा और बहुत दूर जाके बनेगा जोन। तो अब मुझे सामने बंदे दिखते हैं और भाई ये बंदा जो था ना भाई रूथन वाइपर नाम था शायद से इसका, भाई इसे सारे बंदे ओल पे हैकर बता रहे थे। मुझे भी भाई थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, बट भाई मैं किसी को ऐसे हैकर नहीं बता सकता क्योंकि इतना भी सस्पिशियस सा नहीं लगा था भाई ये मुझे, मतलब नॉर्मल था। बट तुम मुझे देख के बताना कि भाई तुम्हें हैकर लगा या नहीं। इसने मुझे नॉक, मैंने इसे डैमेज भी दिया था और इसके बंदे को। अब ये बंदा जो था भाई खेल तो बहुत ही बढ़िया रहा था और भाई रिफ्लेक्स रूफलुक्स भी बहुत ज़्यादा सही थे। बस मुझे इतना लगा कि भाई इसे जो है ना मतलब जहाँ से मैं पीक कर रहा था ना भाई ये वहीं पे मुझे एकदम से नॉक कर दे रहा था। अब भाई मैं इससे मर रहा था या नॉक हो रहा था तो इसकी वजह से भाई मैं इसे हैकर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी वाली आदत नहीं है कि भाई थोड़ा सा भी लगा किसी बंदे को हैकर बता दो। और अगर ये मुझे दीवार दूल के पीछे मारता तो मैं कहता भी, बट भाई इसे सारे बंदे ही हैकर ऊकर बोल रहे थे और गलत ही सीन थे। वैसे इनने मारा भी था भाई बहुत गंदा और M16 से बहुत गंदा पेल रहा था। तो अभी देखा होगा तुमने भाई इनने मेरे सिर्फ हेड ही मारे, और इसकी आईडी जो है भाई जब मैं इसे स्पेक्टेट करूंगा ना तब तुम्हें इसकी आईडी दिख जाएगी, तो तुम इसका हेडशॉट परसेंटेज जरूर चेक करके आना भाई। इसका हेडशॉट परसेंटेज 30 का है और भाई वो ये सिर्फ एक हैकर का ही हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो बंदे भाई मैंने नोक करे ये वाले बंदे थे जो कि भाई उस रिच पे आए थे और इन्होंने मेरे डैमेज दिया था। अब फिलहाल देखना इन बंदों को मैंने 1v3 कैसे करा। वैसे एक ये डुओ का मैच है बट भाई ये बंदे टीम अप करके खेल रहे थे। अब तुमने देख लिया होगा कि भाई ये टीम अप करके खेल रहे थे और भाई सब बंदों ने मतलब सेम आउटफिट पहन रखी थी। अब यहाँ पे मैंने बंदा नॉक करा था इन बंदों को, उस बंदों को फिनिश करना चाहिए था, बट भाई ये फिनिश क्यों करते क्योंकि ये तो टीम अप करके खेल रहे थे ना। अब यहाँ पे ये आए थे दो यूएस लेके और दो डुओ, एक डुओ अलग एक डुओ अलग, तो मतलब भाई ऐसे मतलब पूरे भाई स्ट्रेटेजी बना के खेल रहे हैं। और इसी वजह से भाई हमने मीटअप मूटअप भी करना छोड़ दिया अभी फिलहाल, क्योंकि भाई अगर हम कॉन्करर लीग में ऐसे टीम अप और मीटअप करके बंदों को मारेंगे ना तो भाई ये चीज़ भी ना किसी चीटिंग से तो कम नहीं है। अभी फिलहाल इतने छोटे जोन में मतलब 22 बंदे लाइव हैं और इतनी देर में तो भाई नॉर्मल क्लासिक मैच में चिकन डिनर हो जा, बंदे अपने पॉइंट पॉइंट जितने उन्हें लेने हो किल कुल ले गए बस सब भग लें। अब
साउंड जो है परली तरफ रिच की तरफ जा रहा था और भाई बंदे उसके मारते हैं, तो मैं इन पर फायर देता हूँ, बट भाई ये बंदे एकदम कवर में चले जाएं, क्योंकि ये बंदे जो है नूब नहीं है, ये तुम्हारे आगे नूब की तरह पीक भी नहीं देने के, ये कब पीक देंगे कब तुम्हें नॉक करेंगे कुछ पता नहीं लगता। अब यहाँ पे ये जोन जो था बहुत ही ज़्यादा अजीब था, गाड़ी गुड़ी भाई किसी की रुक रुक नहीं रही थी, मतलब सारी गाड़ी मूव कर रही थी, और जोन जो है बिल्कुल ओपन में था, कवर कोवर भी नहीं थी, और ऐसा भाई हर एक मैच में हो, मतलब यो एक अनोखा मैच नहीं है कि जिसमें 40 बंदे लास्ट जोन में अलाइव थे, ऐसा हर एक मैच में हो, बंदे बस गाड़ी से लेके इधर से उधर भग रहे हों। यहाँ पे एक बंदा भाई सांप बना पड़ा था, तो मैं उसे एमके का स्प्रे मार के पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे सावन भग रहा था भाई ओपन में, जो कि बिल्कुल पाप है मेरे हिसाब से ओपन ओपन में रहना, और मैं कहीं और देख रहा था स्मोक की तरफ जहाँ पे बंदे थे। अब क्या हुआ, सावन को एक बंदा नोक कर देता है, अब जैसे ही उस बंदे ने सावन को नोक करा तो भाई मैं इसके ऊपर स्मोक गिरने लगता हूँ, क्योंकि अगर बिना स्मोक के जाऊँगा ना तो मैं वैसे ही मरूंगा। अब यहाँ पे मैंने भाई पूरी स्मोक वगैरह कर दी और भाई उस बंदे ने मुझे M16 से बेल दिया। मैं इस बंदे को भाई कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट भाई इसे ओल वाले बंदे जो बोल रहे थे ना भाई, वो तुम खुद सुनो, क्योंकि तुम मेरी बात पर तो यकीन करने गए नहीं। भाई देख कितना स्मोक हो रखा है। भाई ये बंदा हैक है, देख ऑल भी 100% हैक है रे। भाई आप इसको क्या आइकन का मार रहा है, देखो देख स्मोक में देख रहा है क्या। हेलो भाई भाई बहुत मार, अच्छी बात है, दिन भाई को मार दिया, मेरे को मार के गया, हमें भी तो मेरे को भी तो मार के गया, ये इससे तो मरा हूं मैं, ये सब से मजा लेते हैं नेक्स्ट लेजेंड एक्स में दम नीचे हमें मारते हैं। ये हैकर ने दिमाग खराब कर दिया यार, ये देख का बंदा दे रहा भाई, ये कर रहा है, देख देख के हेड पे वाइपर क्या कर रहा है सारे हेड भाई, सिंगल टैप M4 हद होती है बे भाई, स्प्रे थोड़ी ना है, हेडशॉट लगा रखा है, सारा लोकेशन पता है इसे, देखो बोल मारा भाई, किसी ने मारा था कैसा मेरे को, कर दे, हाँ हाँ हो जाएगा, दो तीन गोली और मार, बस हो गया, आधा चला रहा है कौन, नहीं नहीं एक और बार यार करो, मेरे को मार दिया, मार मार भाई नंबर एक मेंटल क्या बोलो, ये इसका बंदा नूब है, देखो 1 एचपी बचा, इसका बंदा 1 एचपी बचा, लेदर नेक्स मर गया, हां मर गया, हैकर है भाई, रूट एंड वाइपर हैकर है साला, हैकर ही चीटर है स्किल है इसका। तो होप सो गाइस तुम्हें यार आज की वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, भाई जितने भी 8-9 किल करे थे मैंने इस लास्ट जोन में मैंने तुम्हें दिखा दिया, और भाई लोबी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोबी थी, मतलब बट ये बंदा भाई थोड़ा सा सस्पिशियस तो लग रहा था, क्योंकि भाई इस बंदे को सबकी पोजीशन पता थी, और M16 से भाई सिंगल टैप पे हेड ही हेड मार रहा था यो, और सारे बंदे भाई इसी ने पेल दिए थे मतलब लास्ट जोन में। तो होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मैं एक शॉर्ट लीव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और थैंक्स तुमने भाई 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स करा दिए, ये बहुत बड़े अचीवमेंट है मेरे लिए, और तुम्हारा भाई तुम्हें जल्दी दिखेगा 100 में, तो जाओ पॉपुलैरिटी दे देना भैया, तुम मैं पबजी की आईडी में स्टार्टिंग में कहीं मैंने तुम्हें दे दी होगी, तो सर्च करो और पॉपुलैरिटी दे दो, आज मैंने तुम्हें कभी निकाल देने को बट आज दे दो। किंग गन